नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं। इसे मूव करने में हम जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वह क्या कहलाएगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आगे बात समझ में। जैसे कि मान लीजिए If W joule work is done to move a Q coulomb of charge from one point to another point and with a potential difference between the two points, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम Q coulomb charge को move करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह W joule का work कर रहे हैं और इस time पे जो हमारा potential create हो रहा है, कितना हो रहा है, वो V हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? Potential V is equals to work done, क्या हो गया हमारा, W हो गया, और कितना चार्ज हुआ हमारा, जो चार्ज हमने मूव किया वो कितना हुआ, Q हुआ। तो हमारा जो यहाँ पे एक फार्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q हो गया। तो ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट। जैसे कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी वन वोल्ट इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग वन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वही हम कह सकते हैं कि अगर वन जूल वर्क हो रहा है, किस कब हो रहा है वन जूल वर्क, अगर हम वन कूलम ऑफ चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी को मूव करवा रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर वन जूल वर्क हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वन वोल्ट कहलाएगा। क्लियर है? जैसे कि देखिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं फार्मूले में, वन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वन जूल अपॉन वन कूलाम, यानी कि वन कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर हम वन जूल वर्क कर रहे हैं तो यही किसके इक्वल होगा, वन वोल्ट के इक्वल होगा। आगे बात समझ में। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर को हम इस तरह से मेजर करना होता है, जहाँ पे इस तरह से सेटअप करते हैं। मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है या फिर कह लीजिए लोड है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर पता करना है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो इसी के क्रॉस पॉइंट ए और पॉइंट बी है ना, इसके दोनों टर्मिनल के बीच यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को अटैच कर देंगे। कैसे, पैरेलल, इस लोड के पैरेलल हम लोग वोल्ट मीटर को अटैच कर लिए। आगे बात समझ में। और यहाँ पे कितना वोल्टेज है ड्रॉप हो रहा है वो यहाँ पे हमें इंडिकेट करके बता देगा। अब चलते हैं वोल्ट मीटर के बारे में जानते हैं। यह एक हाईली रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, ठीक है, और इसमें नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस होता है कैसा होता है, हाईली, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और इसी वजह से जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो करंट होती है बिल्कुल ना मात्र का, ना के बराबर करंट उसमें फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप कैसे बताएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ आपको आगे समझ में आएंगी। फिलहाल अभी यही जानो आप कि जो इसका वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई, और इसमें जो करंट फ्लो होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है। हमेशा हम किसके में कनेक्ट करते हैं, इसे पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा माना जाता है कि जो हाईली पॉजिटिव बॉडी होती है, चार्ज बॉडी होती है, वो उसका पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। तो मान लीजिए ये दो हमने मेटेलिक क्या कर लिए हैं, बॉडी ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिए हैं ए और बी, इन दोनों को हम एक साथ एक वायर से कनेक्ट कर दें, और जब हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, ये मूव करेगा, और ये तब तक मूव करेगा जब तक इन दोनों पे चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाते, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्यों? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, और ये तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सेम ना हो जाए, यानी इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल कहेंगे, है ना। ये इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे तो इनमें जो चार्ज फ्लो हो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ऐसा माना जाता था कि स्टार्टिंग में बहुत पहले
है ना, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उससे पहले माना जाता था, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने यही माना, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो, सॉरी जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से फ्लो होता है। आगे बात समझ में, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो होता है। ये हम कन्वेंशन अब भी मानते हैं इस चीज को, है कि नहीं, कि जो हमारा करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की वजह से फ्लो होता है। लेकिन और ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है, ये कौन सा डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो देखा गया कि ये जो करंट फ्लो हो रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इसके पीछे का कारण ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था। जब ये बाद में डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की हो गई तब पता चला ये चीज। तो अब क्या हम पीछे जितने अभी तक रिसर्च हुए थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जो रिसर्च हुए थे सब यही मान करके हुआ था कि जो करंट फ्लो होता क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस चीज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि सारा कुछ जो रिजल्ट आया हुआ था वो गलत हो जाता। तो इसीलिए तब से लेकर के आज तक और अभी भी हम लोग यही मानते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है।